हेलो दोस्तों, मैं पूजा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मिठाई तो आपने बहुत सारी खाई होंगी, लेकिन अपने हाथों से बनाकर खाना उसका अलग ही मज़ा होता है। अगर मिठाई घर पर नहीं है और गेस्ट आने वाले हैं, तो आप इसे आधा से एक घंटा पहले आप इसे बना लें। ये मिठाई खाकर आपके गेस्ट आपकी तारीफ ज़रूर करेंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ कढ़ाई रख दी है और मैं इसमें दो बड़ी चम्मच घी डाल रही हूँ, और मैं इसमें 2 कप डाल रही हूँ नारियल का बुरादा। इसे हमें थोड़ा लाइट गोल्डन होने तक इसे भूनना है, और इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे भूने, नहीं तो बुरादे नारियल के बुरादे जल जाएंगे हाई फ्लेम पे अगर भुनेंगे। तो देखिए कलर चेंज होने लगा है, देखिए बिल्कुल अच्छे से कलर चेंज हो गया है। हमें बस इतना ही भुनना है। मैं इसमें 1 कप दूध ले रही हूँ, मैं जिस कप से मैंने नारियल का बुरादा लिया था। अच्छे से इसे हम चला लेंगे ताकि सारे दूध नारियल के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए। अगर आपके दूध की मात्रा कम लगे तो आप और आधा कप दूध डाल सकते हैं। तो देखिए अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। चीनी आप अपने मीठे के हिसाब से लें, आपको मीठा कितना खाना पसंद है। इसे हम अच्छे से गलने देंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखिए चीनी धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया है। इसे हम 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। अगर आप इस तरीके से नारियल का मिठाई बनाते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनता है और ये बिल्कुल 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए 2 मिनट हो गया है। अब मैं 1 कप डाल रही हूँ पाउडर मिल्क। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैं बचा हुआ अभी मिल्क डाल दूंगी। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक एक साथ फॉर्म में ना आने लगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से ये बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ रहा है, तो ये बिल्कुल अच्छे से पक गया है। देखिए एक साथ आने लगा है। इसे हम 1 मिनट के लिए इसी तरीके से पका लेंगे, और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखें आप। तो देखिए ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो देखिए मिक्सचर हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, ज़्यादा ठंडा बिल्कुल मत कीजिएगा। मैंने थोड़े से नारियल का बुरादा लिया है ताकि लड्डू बनाने के लिए ऊपर कोट करना होगा। तो देखिए मैंने नारियल का लड्डू बना लिया है, और इसे हम नारियल के बुरादे में इस तरीके से कोट कर लेंगे। देखिए, और इस तरीके से हथेली से रख के झाड़ लेंगे। तो मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। हथेली के बीच में रख के आप इस तरीके से गोल करें। देखिए बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल इसमें क्रैक नहीं रहेगा। और इस तरीके से नारियल के बुरादे में इस तरीके से कोट कर लेंगे हम। तो देखिए नारियल का लड्डू हमारा बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है, और ये बिल्कुल इजी तरीका है। तो जब भी मिठाई खाने का मन करे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये नारियल का लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही मज़ेदार। अगर कोई गेस्ट आया हो तो आप इसे वो ज़रूर बनाकर खिलाएं, आपकी तारीफ ज़रूर वो करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी कैसी बनी है। तो मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक